हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल था बी एल सीरीज मून लाइट चिकन के एपिसोड वन के पार्ट टू में आपका स्वागत है इस पार्ट के स्टार्टिंग में वैन को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए दिखा जाता है तभी वहाँ पे जिम आ जाता है और वो वेन से कहता है कि क्या मैं भी यहाँ पे बैठ सकता हूँ तभी तो वेन कहता है की हाँ बैठ सकते हो और फिर यहाँ पे दोनों लोग के साथ में बैठ के खाना खाने लगते हैं तभी यहाँ पे वेन अपने जो उसका डिजर्ट होता है अपने डिश में से थोड़ा सा खाना निकाल निकालकर जिम को देता है और से कहता है की ओल्ड लोगो को जिंजर बहुत ज्यादा पसंद होती है यहाँ पे जिम कहता है कोई बात नहीं मैं ओल्ड हो चुका हूँ फिर वो वैन की प्लेट को देखता है और कहता है कि तुम्हारा क्या तुम्हें देखिए ऐसा लगता है कि तुमको भी ओल्ड लोगों की जैसे जिंजर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तुम्हें भेंट कहता है नहीं मुझे और लोग बहुत ज्यादा पसंद है ये सुनकर जिम बहुत ज्यादा स्माइल करता है तभी यहाँ पे बैन का खाना सबसे पहले फिनिश हो जाता है और वो काउंटर पे जाके पेमेंट करता है अपने खाने की भी और जिम के खाने की भी और फिर यहाँ पे वेन जिम की बहुत ज्यादा करीब आता है और उसे कहता है की ये खाना मेरी तरफ से आपके लिए है आपकी कल रात की सर्विस के लिए अंकल चिकन राइस और ऐसा बोल के बेन चला जाता है बैन की बातें सुनकर यहाँ पे जिम बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है नेक्स्ट सीन में बैन को उसके रूम पे दिखाया जाता है जहाँ पे बेचारा बहुत ज्यादा थका हुआ आ रहा आता है और तभी उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है की बिल्डिंग ऑफिस से मेरे पैकेज को पिकअप कर लेने यहाँ पे वेन अपना फोन चार्जिंग पे लगा के आराम से बेड पे लेट जाता है और जिम के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रहा होता है बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होकर तो मेरे नजदीक का सीन दिखाया जाता है जहा पे अंकल जिम काम कर रहे होते हैं वहाँ पे लिंग आता है बहुत सारी बी लेकर और कहता है कि बी के जो दाम है वो कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहे, है। ऐसे रहे हैं ऐसे रहेगा तो मुझे खुद की बी की कंपनी खोल लेनी चाहिए लेकिन यहाँ पे जिम उसकी किसी भी बात पे ध्यान नहीं देता वो तो अपने ही ख्याल में खोया हुआ होता है उन मोमेंट्स को याद कर रहा होता है जहाँ पे वो बेन के साथ बैठा हुआ होता है और कुछ हसीन पल बिता रहा होता है फिर अब यहाँ पे लिंक कहता है की क्या आप चाहते हैं कि मैं बी पे डेट डाल दूँ लेकिन यहाँ पे अंकल जिम कुछ भी नहीं बोलते तो यहाँ पे लिंग कहता है आप तो टीन एजर्स के जैसे दिन में सपने देख रहे हैं अपने के टैक्स का इंतजार करते हुए तो यहाँ पे जिमलिंग की बातों को नोटिस करता है और उसे कहता है की तुम रहने दो ये सारा काम तुम मुझ पर छोड़ दो मैं कर लूँगा तुम सर्जन मैनेजर सुपोस्ट कि हाउस पे पार्सल डिलीवर करके आओ तो यहाँ पे लिंग कहता है की अंकल जिम प्लीज़ आप एक काम लीमिंग से कह दीजिए क्योंकि अभी भी मेरे पास उसकी वाइफ के कुछ पैसे हैं जो कि मैंने उसे वापस नहीं करे हैं तो आप अंकल जिम कहता है कि तुम उस फैमिली के साथ कुछ भी करने की कोशिश मत करो तुम्हें नहीं पता कि वो फैमिली कितनी ज़्यादा कैपेबल है तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए तुम मुसीबत में पढ़ सकते हो तो यहाँ पे लीमिंग आता है और कहता है कि ये मुझे दे दीजिए मैं ये काम कर दूंगा तब यहाँ पे अंकल जिम मुझसे कहते हैं कि ये काम तुम कैसे कर सकते हो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है तुम्हारे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है तुम कैसे ड्राइव कर सकते हो लीमिंग कहता है कि मेरे दोस्त के पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है फिर भी वो हर रोज स्कूल में बाइक लेके आता है और मैं जानता था उस रोड पे कोई भी पुलिस चेकिंग नहीं लगती तो आप चिंता मत कीजिए अंकल जी यहाँ पे लीमिंग किसी की बातों पे ध्यान ना देते हुए बाइक लेके जाता है फूड को डिलीवर करने के लिए वो अपनी जगह पे पहुंच जाता है वहाँ पे आवाज आता है लेकिन वहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं बोलता तो यहाँ पे लीमिंग उस घर के अंदर जाता है बोलता है की आपका चिकन राइस आ चुका है आप कहा पे है लेकिन फिर भी कोई नहीं बोलता पे लीमिंग एक लड़की को एल्कोहल की बॉटल के पास देखता है और उसके पास जाके उससे बोलता है की क्या तुम सुन नहीं सकते तभी यहाँ पे उस, उस लड़के के हाथ से बोतल छोड़ के गिर जाती है इस लड़के का नाम हर्ट है और ये हमारा सेकंड मेनली सपोर्टिंग कैरेक्टर है सीरीज में हर्ट कुछ भी बोल ही सकता तो वो लिमिंग को सारे में कुछ बोल रहा होता है तो लिमिंग जो था हर्ट से कहता है कि ये सब क्या है मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ पा रहा क्या तुम हूं से नहीं बोल सकते मुझे ये इशारेबाजी समझ में नहीं आती लेकिन यहाँ पे हट कंटिन्यू से इशारों में समझा रहा होता है तो यहाँ पे लिमिंग कहता है कि मुझे माफ करना मैं नहीं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे हट बहुत ज्यादा परेशान होकर फिर से उसे इशारों में समझाता है कहता है कि तुमने ये बॉटल तोड़ दी तो यहाँ पे लिमिंग कहता है नहीं नहीं ये मैं नहीं चाहिए तुमने तोड़ी है और फिर ऐसा बोल के वो वो खाना वहीं पे रख के चला जाता है कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट सीन में हमें मिलिंग को घर से निकलते हुए दिखा जाता है तो वो अपने घर के सामने लिंक को देख के उससे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर तो रहे हो लिंक कहता है क्या मुझे डिनर की मिल सकता है मैं कल रात उसे अपने साथ लाना भूल गया तो यहाँ पे मिल चाबी को कुछ गुच्छा देता है तो यहाँ पे लिंक जो होता है मिलिंग से पूछता है की तुम्हारे अंकल कहाँ पे यहाँ पर मिलिंग बड़ लगता है की जैसे स्कूल खत्म हो घर जाना जैसे स्कूल खत्म जाना तो यहाँ पे लिंक समझ जाता है की अंकल जिम ने उससे कुछ कहा है तो वो मिलिंग से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे अंकल की बकवास नहीं सुना चाहता

जानते हो यहाँ कहता है कि हाँ मैंने उसे देखा है जब मैं उसकी मोम को लूट ऑर्डर देने गया था वो सच में थोड़ा सा पर्सन है।, तो है।, है क्या बात है क्या तुम्हारी उसके साथ कोई फाइट हुई है तो मुझे तो तो बताओ तो यहाँ पे मिलिंग कहता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया तो यहाँ पे लिंक कहता है ठीक है मैं चलता हूँ की जिम में रनिंग कर रहा होता है और साथ ही साथ अंकल जिम के उस इंटरव्यू को भी देख रहा होता है और वैन से कहता है कहाँ पे थे यहाँ पे रिप्लाई नहीं देता

ने यह तुम्हारे वन नाइट स्टैंड नहीं तो यहाँ पे वैन कहता है कि हम दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे फिर गाँव कहता है कि वन नाइट स्टैंड कोई भी बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है ये समस्या वाली बात तब हो जाती है जब ये वन नाइट ना होकर हर रात होती रहती है तुम इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल है कॉम्प्लीकेटेड मत बनाना फिजिकल होने के दौरान कोई भी आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा फेक्शन मत करना और हाँ तुम कोई भी पोजीशन करो कोई भी सिचुएशन करो लेकिन कभी भी वियर्ड साउंड मत करना जैसे कि बहुत ज्यादा अच्छा था इट सो गुड लाइक दैट कहता है डेमिड गोंग तुम ये क्या कर रहे हो तभी उनके लोगों के जो आसपास के लोग होते हैं बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं कहता है गोंग क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि जब तुम ऐसा कर रहे होगी तो तुम्हारे पार्टनर को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा लगेंगी लेंगी गोंग कहता है कि तुम कुछ हरकतें कर सकते हो लेकिन तुम्हें ये नहीं दिखाना है कि तुम उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टे नील और बेल के जैसा है दोनों चीजें सुनने में तो एक जैसे लगे दोनों अलग अलग है चलो मैं तुमको अच्छे से समझाता हूँ इस तरह का जो इंटीमेशन होता है मतलब सेक्स होता है वो सिर्फ वन नाइट स्टैंड होता है वो लव नहीं होता तो प्योर इंटीमेशन होता है अगर तुम इस चीज़ में बहुत ज्यादा फीलिंग्स दोगे तो तुम दोनों में से किसी एक को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा जिसकी वजह से एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा तभी चीजें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी तो यहाँ पे थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहता है कि हे गोंग चलो हम लोग चिकन राइस खाने चलते हैं तो गॉँग कहता है तुम्हारी समस्या क्या है क्या हम अभी इंटीमेशन के बारे में बात नहीं कर रहे थे तुम कैसे मुझे चिकन राइस खाने के लिए इनवाइट कर सकते हो तुम भी तुमने कल रात ही तो इसे खाया था मुझे नहीं खाना मैं नहीं आऊँगा नेक्स्ट सीन में मैं बैन को स्ट्रीट पे खड़े हुए चांद को घोटते हुए दिखाया जाता है और उसके हाथ में बियर की केन होती है जो कि उसी ब्रांड की होती है जिस ब्रांड का जिम पीता है और उस बियर की केन को देख के उसे जिम की याद आती है और वो उस सीन को याद करता है जब जिम ने उसे वो केन दी होती है और यहाँ पे पूरी तरह से वो जिम के ही ख्यालों में खोया हुआ रहता है नेक्स्ट सीन में जिम को दिखाया जाता है जिसको सफाई करते हुए वैन वे का आइडेंटिटी कार्ड मिलता है तो यहाँ पे जिम स्माइल करते हुए चांद को देखता है और बहुत ज्यादा वैन को याद कर रहा होता है फिर नेक्स्ट सीन में अंकल जिम को दिखाया जाता है जिनके फोन पे किसी जिता नाम के औरत का फोन आ रहा होता है नेक्स्ट सीन में अंकल जिम और मिलिंग को हर्ट के घर पे दिखा जाता है जहाँ पे हर्ट की मॉम बता रही होती है कि कल जब ये मेरे घर पे चिकन राइस लेकर आया था तब ये एक शराब की बोतल के साथ खेल रहा था और जैसे ही इसने मेरे बेटे को देखा ये डर गया और उसके हाथ से बोतल गिर गई और टूट गई तो पे मिलिंग कहता है कि अंकल जिम मैंने कुछ नहीं किया ये झूठ बोल रही है तो पे मिसिस जिंता कहती है कि हम लोग घर पे नहीं थे तो ये खुद से गिर के तो टूट नहीं सके अपने मिलिंग कहता है कि जिसने इसे तोड़ा वो मैं नहीं था वो आपका बेटा था जिसने से तोड़ा तो यहाँ पे मिससे जिंदा कहती है कि तुम अपना सारा का सारा दोस्त मेरे बेटे पे कैसे डाल सकते तो हो यहाँ पे मिलिंग रहा है कि मैंने आपसे कहा ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया आपके बेटे ने जैसे मुझे देखा वो डर गया और उसने बोतल गिरा दिया और इसी वजह से बोतल टूट गई पे हट के डैड कहते हैं कि बोतल हमेशा से यहीं पे रहती है तो उसे जाके क्यों लेगा और वो भी उस दिन जिस दिन तुम आए तो यहाँ पे मिलिंग कहता है ये बात आप अपने बेटे से पूछ लीजिए यहाँ पे हट की मोम कहती है किसने हमें ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है किसने ऐसा कुछ भी नहीं करा है तो यहाँ पे मिलिंग गुस्सा होकर उसे कहता है कि तुम अपनी मॉम को क्यों नहीं बताते कि जब तुम्हारी मोम और डैड यहाँ पे नहीं होते तो तुम ड्रिंक की कोशिश करते हो तो पे मिलिंग चिल्ला के कहता है तुम तो अपने बहरेपन का फायदा उठा रहे हो ना इस चीज से बाहर निकलने के लिए लो और कागज पेन पे सारी चीजें लिख के बताओ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बहस होती है तो यहाँ पे अंकल जिम जो होते हैं वो इन लोगों से कहते हैं कि प्लीज क्या आप हमें थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दे सकते हैं और वो लिमिंग को बाहर लेके जाते हैं और से कहते हैं कि हमें सब कुछ अभी के अभी सच सच बताओ तो पे मिलिंग कहता है मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ बता दिया है वो इंसान छुप छुप के अपने पापा की ड्रिंक पीता है उस दिन जब उसने मुझे देखा तो उसके हाथ से बोल गिर गई क्योंकि वो घबरा गया था और इसीलिए मैं वहाँ पे खाना रख के काउंटर पे चला गया अंकल जिम कहता है सारी चीजें मुझे पहले बता देनी चाहिए थी अब मैं इन सब चीजों का क्या करूंगा क्योंकि तो मिलिंग कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है उसके बाद जब अंकल जेम कुछ भी नहीं बोलते तो मिलिंग कहता है जब आपको जो भरोसा ही नहीं है तो मुझसे कुछ पूछने का क्या मतलब है अंकल तो जिम कहते हैं ठीक है मैंने मान लिया कि तुमने कुछ भी नहीं किया लेकिन हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं जो कि प्रूव कर सके तुम इनोसेंट हो और इस तरह से आर्गूमेंट करने से कुछ भी नहीं होने वाला तो, तो मिलिंग कहता है कि आपको कौन सा एविडेंस चाहिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो यहाँ पे अंकल जिम कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ लेकिन अगर स्पेटर सो पोस्टिस मैटर को ड्रॉप करने से मना करते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी हम उसके खिलाफ केस नहीं जीत सकते क्या तुम इस इंसिडेंट को एक बैड लक समझ सकते हो तो यहाँ पे मिल कहता है कि क्या बैड लक जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर क्या है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम गरीब हैं और इसलिए वो जो चाहे वो हमारे साथ कर सकते हैं तो यहाँ पे अंकल जिम कहते हैं कि मैं इस मैटर को पुलिस स्टेशन में सॉल्व करना नहीं चाहता तो यहाँ पे मिल कहता है कि आपको एग्जैक्टली किस बात का डर है कि वो पुलिस ऑफिसर है तो उसके पास पावर है और हमारे साथ कुछ भी कर सकता है इसी में जिन तनाव देखा जाता है जो कि जिम से कहती है कि अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं आपको इस सिचुएशन में नहीं डालना चाहती थी और नहीं आपके साथ इतना ज़्यादा मीन होना चाहती हूँ लेकिन ये जो कलेक्शन है ये इनके पुराने ओल्ड कलेक्शन में से एक है और इसकी कीमत लगभग दस के आस है तो यहाँ पे हट के डायर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है चलो ऐसा करते हैं कि कोई भी एविडेंस नहीं ढूंढ सकता है इसलिए हम पचास पचास परसेंट इसका हर जाना भर देते हैं सात हजार भाग क्या तुम सात हजार दे सकते हो तो यहाँ पे अंकल जिम कहते हैं कि इस महीने के इन तक मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं दे दूंगा तब यहाँ पे मिलिंग आता है कहता है कि आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है ये पैसे मैं खुद पे करूंगा तो यहाँ पे हट की माम कहते हैं ठीक है फिर तुम इंस्टॉलमेंट में हमें पैसे दे सकते हो तो यहाँ पे मिलिंग कहता है क्या इसके बदले मैं आपके यहाँ पे काम कर सकता हूँ तो यहाँ पे हट की माम इस बात के लिए एग्री कर जाती है लेकिन अंकल जिम को उनके इटेरियस पे दिखाया जाता है जहां पे वो दूर पे एक पोस्टर चिपकाते हैं जिसमें लिखा होता है कि हमें रेगुलर वेट स्टाफ की जरूरत है और तभी यहाँ पे वेना जाता है वेन को देख के अंकल जिम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी चिकन राइस नहीं बचा है वे तो वेन कहता है कि मैं यहाँ पे खाने के लिए नहीं आया मुझे एक केन बियर चाहिए क्या मुझे मिल सकता है तो यहाँ पे अंकल जिम वे को बियर की एक केन ला देते हैं तो यहाँ पे वेन कहता है की बाकी के सारे लोग कहाँ पे गए तो अंकल जिम कहते हैं है सब लोग घर जा चुके हैं यहाँ पे वेन कहता है मैं जितने को जानता हूँ उनमें से आप सबसे ज्यादा चिल चिकन राइस सेलर है यहाँ पे जिम कहते हैं कि तुमने सिर्फ मेरा चिल्पा ही दिखा है मैं डिफरेंट टाइप का इंसान बन जाता हूँ जब मेरा डिनर कस्टमर के साथ पैक हो जाता है तो, तो यहाँ पे वहन कहता है कि मैं जान सकता हूँ कि वो किस तरह का इंसान है तो यहाँ पे जिम कहता है कि एक ऑर्डिनरी सेलर ऑयली फेस के साथ और जिसकी बॉडी से उबले हुए चिकन की स्मेल आती है उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से थकी हुई होती है तुमने अपने आप को भी कभी इस सिचुएशन में जरूर देखा होगा तो ये भी वह कहता है खैर क्या आप मुझे लेकर क्यूरियस नहीं है आपके आप मेरे बारे में नहीं जानना चाहते पिंकल जिम कहते हैं तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो क्योंकि अगर तुम यहाँ पे एक किन बियर के लिए आए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें पूरे रास्ते चलकर सिर्फ और सिर्फ मेरी ही दुकान पे आने की जरूरत है तो यहाँ पे वेन जो होता है अंकल जिम को टच करके बोलता है कि मुझे बस बियर पीने के लिए एक पार्टनर चाहिए था तो पे अंकल जिम कहते कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास दोस्त नहीं होंगे तो यहाँ पर कहता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन ये मेरी चॉइस है कि मुझे किसके साथ ड्रिंक पीना है फिर यहाँ पे दोनों लोग चेस करके ड्रिंक पीते हैं तो यहाँ पे अंकल जिम जो होते हैं वो वैन को उनका आइडेंटिटी कार्ड ला देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा है तो यहाँ पे वैन कहता है कि क्या होगा अगर मैं इससे दोबारा से, से यहीं पर गिराना चाहूँ तो, तो यहाँ पे अंकल जिम मुझसे कहते हैं कि क्या तुम भूल गए मैंने तुमसे कहा था ना कि उस रात जो कुछ भी होगा वो उसी रात खत्म हो जाएगा यहाँ पे वैन कहता है ठीक है उसके बाद वो डोर पे लगा हुआ वो स्टिकर देखता है और कहता है कि क्या होगा अगर मैं आपके वेट स्टाफ के लिए अप्लाई तो मैं यहाँ पे आपके के लिए इंटरव्यू देने के लिए अवेलेबल हूँ आप जितनी बार चाहे मेरा ले सकते है। तो पे मुझे ऐसा तो नहीं लगा था की आप मुझसे ये सवाल पूछो तो यहाँ पे अंकल जिम कहते हैं ठीक है, है अब हम लोग स्ट्रेंजर नहीं है और ऐसा बोल वो वेन के आइडेंटिटी कार्ड के पीछे मार्कर से कुछ लिखता है और बोलता है कि मेरे साथ काम करने के कुछ रूल है हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो कि स्ट्रेंजर करते हैं यहाँ पे वेन कहता है जैसे जन नहीं करते तो यहाँ पे अंकल जिम कहते हैं जैसे कि हमने उस रात जो कुछ भी किया था तो यहाँ पे बेन बहुत ज्यादा स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है लेकिन मुझे आपको क्या बुलाना चाहिए बहुत तो यहाँ पे जिम कहता है जिम लेकिन लोग मुझे अंकल जिम कहकर बुलाते हैं इतना बोल के जिम जो होता है वो वेन को उसका आइडेंटिटी कार्ड वापस करता है जिसमें उसने लिखा होता है वेन मून लाइट चिकन का टीम स्टाफ तो यहाँ पे विन बहुत ज्यादा स्मेल करता है और कहता है कि ओके थैंक्स अंकल जिम सो फ्रेंड्स ये एपिसोड ये पे खत्म होता है अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा एक वीडियो एडिट करने में मेरा दो से ढाई घंटा जाता है और जब आप लोग उसे नहीं देखते हैं तो दिल से बुरा लगता है